हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से इस तरह का स्मूथ टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं और आईज, नोज और लिप्स इस तरह के किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं जो ये बेबी हेयर रो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। और यह है फोटोग्राफ जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखना किस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करूँगा। इसकी फोटोग्राफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से ऑब्जर्व करना। और आउटलाइंस के लिए मैंने इसमें ग्रिड्स का यूज़ किया है। तो अभी मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ और 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ विद 2B की लीड। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ब्रांड की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, HB या फिर 2B की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और देखो, जो भी आईज़ के अंदर जो भी हाइलाइट्स हैं, जो भी वाइट एरिया है, उसको मैं पहले अच्छे से देख रहा हूँ और उसको ऑप्ट कर रहा हूँ। तो जो भी आईज़ के अंदर शाइन होता है, वाइट जो भी चमक रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको केयरफुली ड्रॉ करो, अच्छे से ड्रॉ करो, स्लोली ड्रॉ करो, तभी जो आईज़ है वो उभर के आएगी, वो काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल विद 4B की लीड जो कि डार्क होती है। तो आप कोई भी ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, 6B 8B की। तो फिलहाल अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 3H पेंसिल जो कि टोम्बो की है। लाइट शेडिंग करने के लिए मैं इसी पेंसिल का यूज़ करता हूँ क्योंकि रफ पेपर में यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पर काफ़ी लाइट पेंसिल यूज़ करनी पड़ती है अगर हमको बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर चाहिए। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 3H पेंसिल और काफ़ी अच्छे से मैंने उसको शार्प कर लिया है, बिल्कुल शार्प, ताकि अच्छे से बिल्कुल स्मूथ यूनिफॉर्म मोशन में शेडिंग हो पाए। सिंपली मैं लाइट प्रेशर का यूज़ करके लाइटली शेडिंग करूँगा इससे, और जो नीचे ड्रॉप है आइज़ के नीचे, तो उसको शेड नहीं करना है, वो वाइट ही छोड़नी है, बस उसकी शेप ड्रॉ कर दो आप जिस तरह से मैंने किया। और आइज़ के चारों तरफ मैं लाइटली शेडिंग कर रहा हूँ इसी पेंसिल का यूज़ करके, और आईब्रोज को भी मैं पहले लाइटली शेड कर रहा हूँ। आप कोई भी ब्रांड की लाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, 3H, 2H या फिर HB भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको देखना है आप कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो, कौन सी ब्रांड की पेंसिल यूज़ कर रहे हो। टोम्बो की काफ़ी लाइट होती है तो मैं इसलिए टोम्बो की यूज़ कर रहा हूँ, और पेपर भी रफ़ है तो उसके लिए परफेक्ट है। बट आपको अपना देखना पड़ेगा आप कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो, कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहे हो। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B मैकेनिकल पेंसिल, जो भी डार्क एरियाज हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करके बिल्कुल लाइट ले होगी, इस तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। रियल टाइम मुझे इतना ड्रॉ करने में, आईज, नोज और लिप्स को ड्रॉ करने में मुझे 90 मिनट्स लगे थे, 80 to 90 मिनट्स। इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट किया ताकि आप बोर ना हो और मैं अच्छे से आपको समझा दूँ। बट मेन पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से मैं शेड कर रहा हूँ। सेकेंड आई को भी मैं वैसे ही ड्रॉ करूँगा, पहले मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ 0.3 की, और जो भी हाईलाइट्स वगैरह हैं उसको अच्छे से ऑप्ट कर लेता हूँ। अब फिर से 4B की लीड यूज़ कर रहा हूँ। तो अब शेड करते हैं नोज़। तो नोज़ का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे डेप्थ है, डार्क है, तो मैं 3H पेंसिल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ फिर भी, और अच्छे से एक बार लाइटली शेडिंग कर लेते हैं। रेफरेंस फोटोग्राफ में देखो, नोज़ के जो ऊपर वाली साइड है वहाँ आपको हाइलाइट्स दिख रहा है, वाइट एरिया दिख रहा है, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल भी शेडिंग नहीं करूँगा, उसको मैं वाइट ही छोड़ दूंगा ताकि हाईलाइट काफ़ी अच्छे से लगे। तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इरेजर का यूज़ भी कर सकते हैं, पहले भी जगह छोड़ सकते हैं, जिस तरह से मैं अभी छोड़ूंगा आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मैंने बीच में जगह छोड़ दी है वाइट, क्योंकि हाईलाइट से रेफरेंस फोटोग्राफ में जैसे कि आप देख सकते हैं। और लाइट शेडिंग के लिए मैं वही पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, 3H पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, जो भी मैंने आईज़ के चारों तरफ शेडिंग किया, आईब्रोज में शेडिंग किया, और जो अब कर रहा हूँ उसमें मैंने कंप्लीट 3H का ही यूज़ किया अभी तक। तो 3H के बाद और डार्क करने के लिए और लेयरिंग करने के लिए 2B 4B का यूज़ करेंगे। बट मैंने अभी तक बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं किया है क्योंकि शेडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेडिंग अच्छे से देखो आप किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ब्लेंड तो उसके बाद भी कर लेंगे। आइस के अंदर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे भी हल्की शेडिंग करनी जरूरी है क्योंकि रेफरेंस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट नहीं है, तो यहाँ पे भी जरूर शेडिंग करो। अब फिर से 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल विद 2B की लीड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जो नोज़ का ये वाला पार्ट है जहाँ पे डेप्थ है,
डेप्थ मतलब गहराई, जो भी डार्क एरियाज है यहाँ पे, तो उसको मैं अच्छे से शेड कर रहा हूँ पहले लाइटली। प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो प्रेशर का अप्लाई कर देते हैं नोज़ में जो भी डेप्थ वाले एरियाज होते हैं, तो बिल्कुल लाइटली ही करो, लेयर बाय लेयर करो। और अब यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं 4B की लीड 0.5 की, क्योंकि यहाँ पे और डार्क है, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, वो आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। और मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ इसलिए करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा शार्प नहीं करना पड़ता है और अच्छे से एक ही लीड से काफ़ी अच्छे से मैं शेडिंग कर पाता हूँ। नॉर्मल पेंसिल को तो काफ़ी ज़्यादा शार्प करना पड़ता है, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, मैथड यही रहेगा। लाइटली शेड कर लिया है मैंने, तो अब इसको ब्लेंड करते हैं। तो मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, मेकअप ब्रश जो कि मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, तो बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ इसको ब्लेंड करना है। ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो शेडिंग ख़राब हो सकती है, पेपर भी रफ है, तो एक बार ब्रश को भी आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आपने पहले यूज़ किया है चारकोल में डार्क एरियाज में तो ख़राब कर सकता है, तो पहले एक बार साफ़ कर लो, उसके बाद ही ब्लेंड करो। जो भी मैंने शेडिंग किया उसके ऊपर से बस सिंपली ब्लेंड करना है। और अगर और ज़्यादा स्मूथ आपको चाहिए तो आप पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर स्टम्प से और ज़्यादा स्मूथ आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। बट ज़्यादा लार्ज एरियाज़ के लिए यूज़ मत करना, लार्ज एरियाज़ के लिए ब्रश का ही यूज़ करना, और छोटे छोटे एरिया जैसे कि नोज़ के चारों तरफ हो गया, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ आपको ब्लेंडिंग मिल जाती है इसका यूज़ करके। तो फोटोग्राफ में से ऑब्जर्व करते हैं, और जो भी डार्क एरियाज हैं लेयर बाय लेयर उनको ऑप्ट करते हैं। पहले 2B का यूज़ करूँगा, फिर 4B का, हो सकेगा तो उससे भी डार्क करेंगे, तो लेयर बाय लेयर करेंगे। अभी मैं 2B का यूज़ कर रहा हूँ। तो शेड करके मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब जो भी आइज़ के अंदर हाइलाइट्स वगैरह हैं और जो भी चमक रहे हैं एरियाज, उनको आप ऑप्ट करने के लिए टोम्बोज इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, नीड इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इरेजर का यूज़ करना, वाइट जेल पेन का यूज़ कम से कम करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब लिप्स ड्रॉ करते हैं, और मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B की लीड 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल के साथ। तो पहले लाइटली एक बार शेड कर लेते हैं जो भी डार्क एरियाज हैं, और थोड़े वियर्ड से हैं लिप्स और जो माउथ वगैरह है, जीभ भी दिख रही है इसमें, तो वो हमको ऑप्ट करने पड़ेगी। तो मैं फर्स्ट टाइम इस टाइप का कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत ग्रिड्स का यूज़ किया था, और वो बच्चा रो रहा है बेचारा, क्योंकि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा इसलिए रो रहा है, इसलिए कह रहा था मुझे। तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया, मैं बोल दूंगा ऐसे नहीं। तो हाँ, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B की लीड, और जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल लाइटली शेडिंग कर रहा हूँ। तो जीभ में भी बिल्कुल लाइटली शेडिंग करनी है इस तरह से, यहाँ पे बिल्कुल भी डार्क नहीं है, इसमें हाइलाइट्स वगैरह करने पड़ेंगे। डेप्थ वाले एरियाज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अब 4B की लीड, और काफ़ी स्लोली ही शेडिंग करनी है, प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है। डार्क है तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर का अप्लाई करना है, लेयर बाय लेयर कर लेंगे, 6B का यूज़ कर लेंगे, 8B का यूज़ कर लेंगे, 10B का यूज़ कर लेंगे, बट ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है। नाउ आई एम यूजिंग अगेन 3H पेंसिल, और पेंसिल अच्छे शार्प जरूर करनी है अगर आपको बिल्कुल स्मूथ यूनिफॉर्म मोशन में शेडिंग चाहिए तो। तो जिस तरह से मैं अभी लाइटली ही शेडिंग कर रहा हूँ,
तो अब इसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के लिए मैं स्टंप का ही यूज़ कर रहा हूँ और 3H पेंसिल से मैंने इसको शेड किया था अभी तक। जहाँ पर आपको लाइटली ब्लेंड करना हो, आपको लगे कि स्टंप से ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो वहाँ पे आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ टोम्बोज इरेजर। जीप में जो भी हाइलाइट्स दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े डॉट से दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब अगेन 2B की लीड का यूज़ कर रहा हूँ और अच्छे से ऑब्जर्व करके जो भी डार्क एरियाज है लिप्स में, छोटे छोटे डार्क एरियाज होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में होते हैं, तो उनको आपको शेड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जो 3D लुक आएगा। अब ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का भी यूज़ कर रहा हूँ। नोज़ में अभी और डार्क करना है, जो भी ये डेप्थ वाले एरिया है नीचे और साइड में, तो इनको अभी और डार्क करेंगे। इस वाले पार्ट में भी देखो, यहाँ पे डार्क है, रेफरेंस फोटोग्राफ में देखो यहाँ पे डार्क है, तो यहाँ पे मैं 4B का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करके अगर आपको करना है तो ही रियलिस्टिक ड्रॉ हो पाएगा। टाइम लगता है इसको ड्रॉ करने में, अच्छे से देखना पड़ता है कहाँ पर डार्क एरियाज है, कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर हाईलाइट्स है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके शेडिंग करनी है। एक बार आप लाइटली शेडिंग कर लो, फिर आप लेयर बाय लेयर शेडिंग कर लो, उसके बाद आप इस तरह से, जैसे कि अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 10B पेंसिल आर्ट लेन की, लास्ट में जो भी डार्क एरियाज है उनको आप इस तरह से ऑप्ट कर सकते हैं। बट एकदम से डार्क मत करना, कोई डार्क एरिया आप एकदम से डार्क कर दो, क्या पता वहाँ पर आपको इरेज करना पड़ जाए, तो वो इरेज नहीं हो पाता एकदम से अगर डार्क कर दोगे, तो लाइट टू डार्क ही जाओ। सो हाँ गाइज, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो चुका है रियलिस्टिक। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी इजी है अगर आप अपने पेशेंस रखेंगे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।